यूपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सियासी पिच को मजबूत करने में लगी हुई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बरेली कैंट से सुप्रिया एरन को चुनावी मैदान में उतार कर सबको चौंका दिया है। बता दें, यहां से कांग्रेस ने सुप्रिया एरन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह अचानक समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। सुप्रिया एरन ने शनिवार को लखनऊ पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद सपा ने सुप्रिया एरन को कैंट सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं सुप्रिया एरन के साथ पूर्व सांसद और उनके पति प्रवीण सिंह एरन ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें, प्रवीण सिंह एरन जिले में कांग्रेस का पुराना चेहरा है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पत्नी सुप्रिया एरन कैंट सीट से तैयारी भी कर रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया एरन को बरेली कैंट से चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने फरीदपुर से विजयपाल सिंह, आंवला से आरके शर्मा, बिथरी चैनपुर से अगम मौर्य, बरेली शहर से राजेश अग्रवाल, भोजीपुरा से शहजील इस्लाम, बहेड़ी से अताउर रहमान, नवाबगंज से भगवत शरण गंगवार और मीरगंज से सुल्तान बेग को चुनावी मैदान में उतारा है। सुप्रिया एरन के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नेहरू युवा केंद्र में ढोल बजाकर और पटाखे छोड़कर इसकी खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।